नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस खास शो में। आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे यूके के सितंबर इंटेक के बारे में, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या फायदे मिलेंगे स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप का क्या हाल है। सो हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह बल, जिनसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। रंजीत जी स्वागत है। नमस्कार जी, प्रोग्राम देख रही सारी जो ऑडियंस है उसको मेरी और मेरी वीजा ऑफिस की टीम की तरफ से वेलकम। सो रंजीत जी, सितंबर इंटेक यूके का किस तरीके का रहने की उम्मीद है? यूके लीनियंट रहेगा, नहीं रहेगा? इंटरव्यूज भी आती हैं, उनका क्या सिनारियो रहेगा? स्कॉलरशिप मिलेगी, कब तक मिलेगी? देखिए, प्रैक्टिकली बात करें तो ये मार्च है, अभी प्रैक्टिकली मई के भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन बहुत लिमिटेड रहेगा। अगर बच्चे के पास फंड वगैरह जल्दी रेडी है, सारा फीस वगैरह रेडी पड़ा है तो वो हमें कॉल कर सकता है। मई का भी कुछ लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जो मेजर इंटेक चलेगा वो सितंबर इंटेक के ऑफर लेटर भी दीपक जी आने शुरू हो चुके। चीज को नोट करें स्टूडेंट, सितंबर के ऑफर लेटर भी आने शुरू हो चुके, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है मई कम यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन है, मैक्सिमम का सितंबर है, तो उन्होंने सितंबर प्रोसेसिंग कर दी है। चाहे यूजी प्रोग्राम की बात कर लो या पीजी प्रोग्राम की बात कर लो, तो अभी क्या है जो अभी सितंबर के लिए लगाएंगे तो अर्ली बर्ड की एक स्कीम होती है, अर्ली बर्ड इंसेंटिव जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आपको अर्ली जो एडमिशन होती है, पहली कुछ एडमिशन होती है उनपे आपको स्कॉलरशिप मिलती है 2 से 3 हजार पाउंड तक की। ये मायने रखते हैं, 2 से 3 हजार पाउंड का मतलब है 2.5 से 3 लाख के आसपास का आपका बेनिफिट होना है। तो सितंबर की बात अगर आज मैं कर रहा हूं तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने सितंबर अप्लाई करना है, कोई भी रीजन हो सकता है अभी, क्योंकि ऑप्शन भी आगे सितंबर के ज्यादा मिल रहे हैं या व्हाटएवर, कोई भी फाइनेंशियल रीजन था व्हाटएवर, लेकिन अगर आप ऑफर लेटर पहले सिक्योर कर लेते तो आपको 2 से 3 लाख तक के बेनिफिट होंगे। और वीजा ऑफिस कोई भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करता, ना वीजा से पहले ना बाद में। सो अगर आप हमारे थ्रू लगाते हैं तो आपको अलग से जो आपकी सेविंग होती है, जो फीस कंसल्टेंट को देनी होती है, वो भी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आप फर्दर डिटेल के लिए हमें कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को 9041090410 नंबर के ऊपर। और यूके का अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो यस, अभी भी विदाउट आईएलटीएस ऑप्शंस अवेलेबल है, एडमिशन चल रही है। हाँ, रैंडम बेसिस पे यूनिवर्सिटी की अपडेट आती है, वो पहले भी है कि आपको 100% फीस ही पे करनी पड़ेगी। एक दो यूनिवर्सिटी और ऐड हुई है जिन्होंने पंजाब, हरियाणा और गुजरात के स्टूडेंट को बिना आईएलटीएस के एडमिशन से मना कर दिया है, लेकिन तभी मैं कहता हूँ अगर विदाउट आईएलटीएस वाला बच्चा देख रहा है तो आपके पास सितंबर का जो अपडेट का आइडिया था कि मई में ये रूल आने वाले हैं कि वो आईएलटीएस को मैंडेटरी करेंगे, अब सितंबर के लिए दिख रहा है कि काफी यूनिवर्सिटी जो है आईएलटीएस की कंडीशन लगानी स्टार्ट करेगी इसके बिना। पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट स्पेशली नोट कर ले, अगर आईएलटीएस किया है तो कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। आज नहीं किया तो थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत है कि आप टाइमली अपना ऑफर लेटर सिक्योर कर लीजिए। अगर फीस अरेंज करनी है तो आप बाद में अरेंज कर सकते हैं, फीस पे करने के लिए हमारे पास टाइम होगा, फंड अरेंज करने उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, लेकिन ऑफर लेटर पहले सिक्योर करना जरूरी है ताकि आप टाइमली अपना प्रोसेस कर सके। नहीं तो दीपक जी, मेनली क्या होता है कि बच्चा एंड टाइम पे आता है, एंड टाइम पे ऑफर लेटर आता है, फिर फीस अरेंज करता है, उतने में क्लासेस की डेट आ रही है, कैश अप्लाई करता है, कैश डिले हो गया, बच्चा टेंशन में अलग से। सो ऐसे कई सिनेरियो होते हैं जब आप सितंबर का लेट प्रोसेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। सो मेरी एडवाइस है कि अगर आपने सितंबर इनटेक अप्लाई करना है, टाइमली आप प्रोसेस कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9041090410 नंबर के ऊपर। और वीजा ऑफिस को अगर आप विजिट करना चाहते हैं, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना हमारे ऑफिस से आप अपॉइंटमेंट बना के मुझे भी मिल सकते हैं। और यूके का सितंबर इनटेक विद और विदाउट आईएलटीएस, विद स्पाउस, विद फैमिली भी पॉसिबल है, उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी या हमें विजिट करना पड़ेगा जी। सो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार जी।